हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सारे? जो आज का जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो है एक नाइट क्रीम। मेरे चैनल पे कुछ रिव्यूज़ हैं नाइट क्रीम के, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद में आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो बट ये जो नाइट क्रीम है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट नाइट क्रीम है अब तक हमने जो भी यूज़ की हैं उनमें से। तो जो आज रिव्यू होगा वो है द मॉम्स को की एज कंट्रोल नाइट क्रीम। एज लाइक आप देख सकते हो पैकेजिंग आउटर बॉक्स पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रॉपर मेंशन की गई है एंड जो भी इनके जो हीरो इंग्रेडिएंट है उसकी भी प्रॉपर मेंशन, उसको भी प्रॉपर मेंशन किया गया है। ये प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, SLS फ्री एंड टॉक्सिन फ्री, बहुत सारी चीज़ों से फ्री है। पीटा सर्टिफाइड है, नो एनिमल टेस्टेड है, इसमें मिनरल ऑयल भी यूज़ नहीं किया गया है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो, उसके बाद में आप प्रोडक्ट डिटेल पे जाते हो, उसके बाद आप पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को बहुत ज़्यादा डीपली चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया है कि कोई भी अगर उन्होंने कोई इंग्रेडिएंट यूज़ किया है तो उसका जो मदर सोर्स है वो कहाँ से है। तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, बट अदरवाइज़ यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर रखी है आउटर बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन। इनर बॉक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है, बट इनर बॉक्स आपको मिलता है, इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की, क्यूट, लग्जूरियस एंड क्लासी, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट होता है वो आपको मिलेगा सेफ्टी लिफ्ट के बाद पूरी तरह से, एंड ये पूरा आपको फुल टब मिलता है। हमने 15 से 20 दिन हो गए हमें यूज़ करते हुए, बट आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ी ही फिनिश हुई है क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत कम लगती है। एंड ये जो क्रीम आपको दिखाते जाएँ ये कुछ पीची क्रीमी टाइप की है, पिंकी नहीं आती है पर क्रीमी क्रीमी सी, पीची सी आती है, कैमरा पे उतना नहीं आ रहा है, बट ये क्रीमी पीची सी क्रीम आती है। जो इसका टेक्सचर है वो भी काफ़ी लाइट है, बहुत जैसे नाइट क्रीम थिक हैवी होती हैं वैसी नहीं है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका। एंड लगाने के बाद में जो आपका नेचुरल कॉम्प्लेक्शन होता है उसको भी बहुत ज़्यादा डीप डार्क नहीं करती, आपके कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस रखती है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, नो प्रॉब्लम है आपकी स्किन में, तो आप इसको अगर लगाते हो तो आपकी, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन पे एक पीची पिंकी सा ग्लो आएगा। अगर आप इसको ऐसे ही लगा के रखोगे तो भी आपकी स्किन काफ़ी रेडिएंट एंड फर्म नज़र आएगी। जैसा कि बोला, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट नाइट क्रीम हो चुकी है अब तक की जितनी भी हमने यूज़ की हैं, उसके कई सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ, ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है, ये इसमें ये कई सारी चीज़ों से आपके पैसे भी बचाएगा एंड आपके स्किन केयर को भी थोड़ा शॉर्ट कर देगा। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 798 रुपीज़, 2 रुपीज़ क्यों, 800 रुपीज़, ठीक है। सुनने में काफ़ी महंगा लग सकता है बट ये बहुत ही कम यूज़ होती है एंड काफ़ी दिन चलने वाली है आपकी, इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होने वाली है। एंड आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है इस टब में, तो काफ़ी अफोर्डेबल नहीं कहेंगे, बट आपका इसका अदर साइड देखोगे कि अगर 800 रुपये की क्रीम आपकी 6 मंथ चल रही है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि आपकी पर मंथ क्रीम कितने की पड़ी, बट अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो इस समय बेस्ट चल रही है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको अलग से क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से नाइट क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से एंटी एजिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई सीरम नहीं लेने पड़ेंगे एंड स्किन केयर जो होगा वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इसका हीरो इंग्रेडिएंट है वो है बकुची ऑयल। बकुची ऑयल के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया था हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में, अंडर आई क्रीम की, मॉम्स को की ही अंडर आई क्रीम का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको इस वीडियो के बाद में उसको देखिएगा प्लीज़। बकुची ऑयल जो कि एक नेचुरल अल्टरनेटिव है रेटिनॉल का, रेटिनॉल जल्दी से हर किसी को सूट नहीं होता, तो एक नेचुरल वे पे आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो बाय बकुची ऑयल। जो बकुची ऑयल है वो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, बूस्ट करता है एंड जो स्किन फर्मनेस होती है उसको भी इम्प्रूव एंड बूस्ट करता है। इस क्रीम को +30 वाले, लेट 30 वाले भी यूज़ कर सकते हो, उनको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगी। इस क्रीम में नायसिनमाइड है तो आपको अलग से कोई सीरम लेने की ज़रूरत नहीं है नायसिनमाइड की। नायसिनमाइड आपकी स्किन से मिनिमाइज़ करेगा फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को।
एंड आपके अगर ब्लेमिशेस हैं अगर आपके फेस पे, तो उनको भी काफ़ी हद तक दूर करने में काफ़ी हेल्प करेगा नायसिनामाइड। इसमें नेचुरल विटामिन ई है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि करता है प्रिवेंट टू प्रीमेच्योर एजिंग। इसमें हाइलोरोनिक एसिड भी है, तो आपको अलग से उसकी भी कोई सीरम या क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन को सॉफ्ट सप्पल बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हाइलोरोनिक एसिड में 1000 गुना ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के फ्लावर एक्सट्रैक्ट भी हैं, जैसे कि लिली एंड जैस्मिन, तो वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं स्किन के लिए। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी बैलेंस्ड क्रीम है, टेक्सचर, फ्रेग्रेंस, फॉर्मूला, हर चीज़ को लेके ये सारे के सारे पॉइंट्स इस एक नाइट क्रीम को एक अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी लिस्ट में शामिल करते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था इसके साथ में वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि हमने 3-4 प्रोडक्ट एक साथ यूज़ करना ट्राई शुरू किए थे, जो कि अभी भी मेरे चल रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ में 15-20 दिनों का ही है, तो उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। आई एम टोटली सर्टिफाइड विथ दिस नाइट क्रीम। आप इसको बाय करना चाहते हो तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर भी जाके परचेज कर सकते हो, एंड ऑनलाइन पे आपको ये हर जगह मिल जाएगी, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे जो भी शॉपिंग वेबसाइट होती है आपको हर जगह पे मिल जाएगी। ऑफलाइन पे आपको जो मॉम्सको के आउटलेट्स होंगे वहाँ पे मिल पाएगी, बट आप मॉम्सको की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हो। एंड ये था एक छोटा सा मिनी रिव्यू नाइट क्रीम के लिए, काफ़ी अच्छी है, प्लीज़ इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने ट्राई किया हुआ है बताइएगा कि आपको कैसी लगी, एंड जिन्होंने नहीं ट्राई किया है, अगर आप नाइट क्रीम एक लेना चाहते हो तो थोड़े से पैसे लगा के आप इसको एक बार ट्राई कीजिए एंड एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो में दोबारा आके थैंक यू एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।